अभी अभी मुझे पता चला है कि मेरे नाम पर जितने भी जो मेरे कार्यकर्ता हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं, उन्होंने मेरे नाम पर पेजेस एम अकाउंट ओपन करके रखा था फेसबुक, वो सारे के सारे बंद कर दिया गया, मुझे पता चला है। ठीक है, फेसबुक के अधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो आपने ये काम किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ पर्टिकुलर राजा सिंह भड़काऊ भाषण देता है, ये आपने या जो भी अमेरिका के जो पेपर ने जो आइडेंटिफाई किया था, जो संस्था ने आइडेंटिफाई किया था, वो मैं ठीक नहीं मानता हूँ। क्योंकि आज भड़काऊ भाषण देने वाले ऐसी कई पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फेसबुक के अधिकारियों गणों पर ये आरोप लगाया गया था कि वो पर्टिकुलर बीजेपी के लिए कार्य करती है, तो जो लोग आरोप लगाए थे उन कांग्रेसियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके ही पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। राहुल गांधी है जो कई बार फेसबुक अकाउंट के माध्यम से हो या ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हो, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, पार्टी बीजेपी पार्टी को कई बार उन्होंने गलत शब्दों से कमेंट किया है, तो क्या वो भड़काऊ भाषण, क्या भड़काऊ कमेंट क्या नहीं हो सकता, मैं पूछना चाहता हूँ। जो लोग आरोप लगाए थे फेसबुक के ऊपर, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि फेसबुक एक न्यूट्रल संस्था है, एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है वो, जिसको हर वो व्यक्ति उसको यूज करता है। लेकिन पर्टिकुलर उसको बीजेपी को जोड़कर कमेंट करना, बीजेपी को बदनाम करने का जो प्रयत्न जो कांग्रेस ने किया था, वो सराखर सर गलत उनका प्रयत्न था, प्रयास था। ठीक है, मेरे सारे के सारे पेज बंद कर दिए गए जो मेरे नहीं थे, इसके लिए मैं फेसबुक के अधिकारियों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। लेकिन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार उन तमाम पार्टी के लोगों पर रिसर्च करें, जैसे MIM हो सकती है, कांग्रेस हो सकती है, अनेकों पार्टी हो सकती है, उनके भी फेसबुक अकाउंट बैंड हो, डिलीट हो, अनपब्लिश हो, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और मैं फेसबुक के अधिकारियों को आज ये मेल लिखूंगा कि मेरा ऑफिशियली एक अकाउंट ओपन करें, जो मैं फेसबुक के जो नॉर्म्स है उसको मैं फॉलो करूंगा, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मैं सोशल मीडिया को यूज करना चाहता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो हम कार्य करते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं उसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो मुझे भी उस प्लेटफॉर्म को यूज करने का अधिकार दे, मैं ऑफिशियली मेरे नाम पर एक अकाउंट, एक पेज खोलना चाहूंगा जिसको ऑपरेटिंग करने के लिए मुझे फेसबुक के अधिकारीगण परमिशन दे, जो मैं आज उनको मेल लिखने वाला हूं। Please spreading education and carving a niche for itself. Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University. A place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General, Harya. Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.